हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विज्ञान यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे से सीरीज की जो हमें कैमरे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्चुअली कई बार उन सब एसेसरीज की हमें कमी पड़ती है, कमी सी लगती है, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं होता कि क्या ये मिलता भी है, मिलता है तो कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप भी अगर एक कैमरामैन हैं, आपके पास भी कैमरा है, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर कोई भी फोटो स्टूडियोज वगैरह चलाते हैं, आप कैमरा यूज़ करते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, कि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेटेस्ट एजुकेशन से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से रिलेटेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर और बात करते हैं वो कौन कौन से सीरीज हो सकते हैं। तो जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है लेदर का एडजस्टेबल हैंड ग्रिप रिस्ट स्ट्रैप। यानी कि जब भी आप कैमरा यूज कर रहे होते हैं शादी विवाह वगैरह में, ज्यादा ही अगर आपको यूज करना है तो आप ऐसे पकड़ पकड़ के परेशान हो जाते हैं, गिरने का भी डर होता है, छूटने का भी डर होता है, फिसलने का भी डर होता है और आप थक से जाते हैं। लेकिन अगर ग्रिप में आप बांध करके रखते हैं तो वही चीज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है और बहुत ही आप इजी टू यूज हो जाते हैं। तो आप इसको बाय कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी DSLR है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल यूनिवर्सल होता है, सभी के लिए होता है। एक तरफ जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये बिल्कुल भी नीचे की तरफ एक जो है लग जाता है बिल्कुल भी, और इस तरीके से टाइट हो जाएगा और दूसरा ऊपर जो है लग जाता है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त वर्क इसका है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वो आता है ये, यानी कि हैंड हेल्ड पिस्टल ग्रिप कैमरा, हैंड हेल्ड ग्रिप माउंट होल्डर इसको बोलते हैं, माउंट होल्डर भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर आप जो है कोई भी अपना DSLR वगैरह होल्ड करके, अगर आप जो है ब्लॉगिंग्स वगैरह करते हैं या फिर अपनी इमेज से अपनी सेल्फीज वगैरह लेना चाहते हैं तो कोई भी DSLR से अगर प्रॉपर तरीके से ऐसे पकड़ करके लेते हैं तो आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये हैंड होल्ड है आपके पास में तो वही काम आपके लिए काफी इजी हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त वर्क है इसका। तो अगर आप एक DSLR यूज करते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं मोबाइल वगैरह फोन के लिए, एक्चुअली इस पर सभी कुछ माउंट हो जाएगा, लेकिन अगर हम मोबाइल के लिए ले तो काफी कॉस्टली होगा, अगर DSLR के लिए आप लेते हैं तो ये सही होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इसका माउंट आएगा और इस तरीके से आप जो है कोई भी DSLR को होल्ड करके आप जो है कोई भी इमेजेस वगैरह ले सकते हैं। अगर कहीं पर भी बाहर जाकर के आपको ब्लॉगिंग्स वगैरह करना होता है तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त इसका फंक्शन हो सकता है। इसका प्राइस जो है 899 रुपए है और इससे पहले वाला जो आपने देखा इसका जो प्राइस है, जो स्टेबल हैंड ग्रिप है, यह है 199 रुपए का। तो इस तरीके से आपको जो भी यूज है, यूजफुल लगे, वो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये जो शोल्डर स्ट्रैप होता है, यानी कि कंधे से लटकाने के लिए, अगर आपका जो ओरिजिनल है वो खराब हो गया है या फिर आप जो है कुछ और तरीके का चाहते हैं तो आप इसको जो है आप बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस मात्र 219 रुपए है, लेकिन जो उसके साथ में आता है वो गुम हो गया है, खराब हो गया है, फट गया है, तो आप जो है इसको ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है ये बहुत ही जबरदस्त जो है प्रोडक्ट, बहुत ही जबरदस्त इसका यूज है। अगर शादी विवाह में अगर जा रहे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा समय के लिए कैमरा अगर आपको हैंग करना है, हाथ में रखना है, तो आपको टेंशन होगा, गिरने का डर होगा, तो आप इस तरीके से कंधे में इसको लटका सकते हैं। और ये स्पेशली DSLR के लिए शोल्डर नेक स्ट्रैप बोलते हैं, इसको बेल्ट है बिल्कुल भी, जबरदस्त ये वर्क करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना बेहतर तरीके से बिल्कुल भी आपके कंधे में सेट हो जाता है इस तरीके से, और ये बिल्कुल भी पैक कर लेगा आपको इस तरीके से, तो गिरने का भी डर नहीं है, सरकने का भी डर नहीं है किसी भी तरफ। तो बिल्कुल आप इसको, बिल्कुल आपके DSLR को ये बिल्कुल 100% सेफ रखेगा किसी भी तरीके से। अगर आप DSLR लेकर के ब्लॉगिंग्स वगैरह करते हैं, कहीं पर आते जाते रहते हैं, या फिर आप जो शादी विवाह में कैमरे लेकर के जाते हैं, गिरने का डर होता है, इसी परमानेंटली जो है आपको ओपन करके हाथ में ही रखना है, तो आप इस तरीके से इस बेल्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसके लेंसेज वगैरह को साफ करने के लिए, कैमरा को साफ करने के लिए क्लीनर आप ये यूज कर सकते हैं, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं, पंप भी मिलता है, साथ में ब्रश भी मिलता है और लिक्विड भी मिलता है, और इसके साथ में आपको जो है कॉटन सॉप्स भी मिलते हैं। इस तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है ये 229 रुपए का आपको मिल जाएगा। अगर ये महंगा लगता है तो आप इसे सस्ता भी बाय कर सकते हैं। ये है जो कि आपके जरूरी के लिए सारी चीजें आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाती हैं, यानी कि लिक्विड भी है, रुमाल भी है कॉटन का बिल्कुल भी, और जो है
एयर पंप भी है, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा 199 रुपए का। तो बाकी इसमें से जो भी आपके बजट में हो, आपको सही लगता है, वो जो है आप इसमें से बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो माइक की एक बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आप ब्लॉगिंग्स वगैरह कर रहे हैं तो आप जो है अगर कैमरे पे अगर आप साउंड रिकॉर्ड करते हैं तो उतना बेहतर आपको क्वालिटी नहीं मिल पाती है। और अगर आपके पास बोया B1 है या फिर उससे कोई और महंगा अगर कोई भी माइक अगर हुआ तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं सिंपल, तो छोटे वायर में अगर कोई माइक चाहिए तो आप ये वाला माइक बाय कर सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त होता है, वायर भी छोटी होती है, हैंडल करने में भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो माइक है, एक्चुअली इस टाइप के माइक बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ये जो माइक मैं बता रहा हूं आपको, दो माइक लेकर के सेलेक्ट करके आया हुआ हूं जिसके अंदर बिना एम्पलीफायर, जैसे कि आप देखते होंगे बोया B1 में या फिर जितने भी महंगे माइक हैं उसके अंदर बीच में एक एम्पलीफायर लगा रहता है जिसके अंदर सेल लगता है, तो वो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होता है, नो डाउट। लेकिन अगर आप चाहते हैं सस्ता, तो विदाउट एम्पलीफायर में ये जो माइक है काफी बेहतर काम करते हैं, आपके लिए काफी अच्छे हो सकते हैं, अच्छे साबित हो सकते हैं। तो आप इस माइक को आप यूज कर सकते हैं मात्र 299 रुपए का। या तो ये ले सकते हैं, इसकी 1 ईयर की वारंटी भी है, या फिर नेक्स्ट जो है आपको ये वाला मॉडल मिल जाएगा मेया हैप्पी का। ये दोनों ही जो माइक हैं बिल्कुल भी कंडेंसर वाइज, टेक्निकल वाइज बिल्कुल सेम है, मॉडल वाइज भी बिल्कुल भी सेम है, बस मॉडल लगभग लगभग एक ही है, दो कंपनियों ने लेकर के उसको अपने अपने नाम से बेच रही हैं। तो आप ये वाला भी मॉडल ले सकते हैं, प्राइस भी बिल्कुल सेम है, 299 रुपए का ही। तो अगर सस्ते में एक थोड़ा सा ठीक ठाक अगर आपको माइक चाहिए अपने DSLR के लिए या फिर स्मार्टफोन के लिए, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक माइक आप जो है बाय कर सकते हैं। दोनों में ही छोटी वायर मिलती है जो कि आपको ब्लॉगिंग्स के लिए काफी सही है, या फिर आप जो कहीं पर भी रह करके ब्लॉगिंग बनाते हैं तो ठीक ठाक वायर आपको उतना काम करने के लिए मिल जाती है। लंबी वायर चाहिए तो उसके लिए आपको जो है बोया BY-M1 से बेहतर दूसरा कोई नहीं है सस्ते में, उससे ऊपर तो बहुत सारे आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये, यानी कि ये एक्चुअली ये लेवल मेंटेन करने के लिए होता है कि एक स्प्रिट आती है, बबल स्प्रिट आती है, जो कि जहां पर आप अपने DSLR के ऊपर जहां पर फ्लैश लगाते हैं, तो अगर आप लेवल कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार मैं कितना भी सेट करता हूं लेकिन लेवल समझ में नहीं आता, लेवल कई बार डिस्टर्ब होने का चांसेस रहता है, कई बार राइट हैंड डाउन हो जाएगा, कई बार लेफ्ट हैंड डाउन हो जाएगा। तो उसका लेवल अगर आपको मेंटेन करना है लेवल सही तरीके से, तो आप ये बबल्स मंगा सकते हैं, मात्र 175 रुपए में आपको मिलेगा, जहां पर फ्लैश सेट करते हैं वहां पर ये सेट हो जाएगा और बहुत ही जबरदस्त इसका वर्किंग है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको मंगा सकते हैं। लेवल सेट करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती रहती है तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त इसका फंक्शन है, मात्र 175 रुपए में। मैं इसको ऑर्डर करने जा रहा हूं, मैं खुद इसको मंगाऊंगा क्योंकि मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त है। मैं अक्सर लेवल मेंटेन करता हूं तो हमेशा कुछ ना कुछ लेफ्ट या राइट में अप एंड डाउन हो जाता है। उसके बाद जो है ये जो कि कवर पाउच है आपके कैमरे के लिए, और ये जो है जो किट लेंसेज आते हैं किसी भी कैमरे के साथ में, उसके साथ में काफ़ी कंफर्टेबल ये साबित हो सकता है। यानी कि अगर ज़्यादातर कैमरे का काम है आपका, शादी विवाह वगैरह में जाते रहते हैं, सिर्फ कैमरा ही लेकर के जाना है, बहुत सारे एसेसरीज इसके साथ में नहीं लेकर के जाना है, इजीली लेकर के घूमने निकल गए, कैमरा लेकर के निकल गए, तो जरूरी है कि कैमरे की सेफ्टी भी जरूरी है, तो आप उसके साथ में भारी भरकम बैग लेकर के जाना पसंद नहीं करते हैं, या फिर बार बार रुक रुक करके आपको फोटो खींचना है तो आप जो है बार बार बैग में नहीं रखेंगे, बार बार बैग से निकालने का काफी झंझट होता है। तो आप इसको जो है इस तरीके से छोटा पाउच ले सकते हैं जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सेफली ढंग से आपका जो है कैमरा आ जाता है और बिल्कुल सेफ रहेगा, और आप जो है अपने कैमरे को सेफ्टी के लिए आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग एंगल से देख सकते हैं इस तरीके से बंध जाता है, बहुत ही जबरदस्त ये जो है बनाया हुआ है जो कि आपके कैमरे को बहुत ही सेफ्टी प्रदान करता है। इस तरीके से आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजर की, तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा जहां पर भी आप को लाइट कम मिलती है तो आप जो है उसका फ्लैश यूज करते हैं, लेकिन फ्लैश जब आप यूज करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर इमेज में साइड में शैडोज आ जाती है, बहुत ही ज्यादा शैडोज आने की प्रॉब्लम रहती है। तो वहां पर एक्चुअली डिफोकस अगर आप यूज करते हैं तो वो शैडो कम हो जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैंने इसको ऑर्डर भी कर रखा है, मात्र 60 रुपीज में आपको ये मिलता है, तीन कलर का, तीनों में से जो भी आपको सही लगे। अगर व्हाइट नॉर्मल चाहिए तो व्हाइट लगा सकते हैं, थोड़ा सा ब्लूनेस में चाहिए तो आप ब्लू लगा सकते हैं, क्रीमी में चाहिए तो आप जो है इसके अंदर ये
ऑरेंज वाला लगा सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट इन तीनों का है, मैं इसका जो है रिव्यू भी दूंगा, जब मेरे पास आ जाएगा तो आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद एट द लास्ट में आप ये जो माउंट आप यूज कर सकते हैं, कई बार क्या होता है कुछ लाइट्स वगैरह लगाना होता है जिस पर जो है ऊपर टाइट करने के लिए व्यवस्थाएं हैं, डायरेक्ट उसके अंदर कैमरे के ऊपर लगाने के लिए जगह नहीं है, तो आप जो है ये बॉल हेड ले सकते हैं। ये बहुत ही काम का है, बट इसका प्राइस अभी फिलहाल 905 रुपए है और आप देखते रहे, हो सकता है सस्ता हो जाए। तो अगर इस टाइप की जरूरत आपको पड़ती है, जैसे कि कैमरे पर लगाने के बाद जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं, कुछ भी आप इसके ऊपर जो है होल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो है आप इसको ढीला करके किसी भी एंगल में जो है आप इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से किसी भी एंगल में रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको जरूरत है तो आप इसको ले सकते हैं। इसको कैमरे पर होल्ड करने के बाद जो है इसके ऊपर से लाइट वगैरह कुछ भी जो है आप एसेसरीज इसके ऊपर जो है आप ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये थे सारे के सारे एसेसरीज। अगर आपके पास कैमरा है तो इन सब की जरूरत आपको महसूस होती होगी, तो आप इस तरीके से जो भी आपके काम की चीजें हैं आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जो है वहां से बाय कर सकते हैं डायरेक्टली। और भी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बताएं। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।